सो हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आर्मी, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं BTS की अपडेट्स। अपडेट नंबर वन, तो जैसा कि हम सभी को पता है, वी का एक न्यू एल्बम आने वाला है जो कि है लेवर, और उसका थर्ड ट्रैक जो कि है ब्लू, उसका सेकेंड टीजर यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए। और इतना ही नहीं, हमारे वी का सेकंड ट्रैक लव मी अगेन इस नियम काउंटडाउन में फर्स्ट रैंक जीता है, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन वी आपको। और इतना ही नहीं आर्मी, हमारे वी का ले और एल्बम अभी रिलीज भी नहीं हुआ, लेकिन उनके टू ट्रैक जो कि है लव मी अगेन एंड रेनी डेज, उन्होंने स्पॉटिफाई पर 90 मिलियन स्ट्रीम पूरे कम्प्लीट कर लिए है। अपडेट नंबर टू, अब हमें तो पता ही है कि हमारा BTS का फैन बेस कितना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अभी पूरे K-pop ने मान लिया कि हमारे BTS का फैन बेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए तो वो नंबर वन पर है फैन बेस के मामले में। अपडेट नंबर थ्री, हमारे जंगकुक के 7 एल्बम ने Spotify पर पूरे 7.66 मिलियन स्ट्रीम कंप्लीट कर लिए, और वो भी सिर्फ 14 डेज में। और इसी के साथ साथ हमारे जंगकुक ऐसे इकलौते K-pop आइडल बन जाते हैं जिन्होंने Spotify पर 2 बिलियन प्लस स्ट्रीम कंप्लीट कर लिए हैं। तो जंगकुक, हमें पता है मेरी विशेष आप तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन फिर भी आपको हमारे दिल से बहुत ही बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। BTS अपडेट नंबर फोर, अब हम सभी को पता है BTS का रिकॉर्ड अगर कोई ब्रेक कर सकता है तो वो BTS मेंबर्स ही है। तो हमारे जंगकुक के बाद हमारे जिमिन ने भी 1 मिलियन स्ट्रीम पूरे कर लिए हैं Spotify पर। और इतना ही नहीं, हमारे जिमिन के फेस एल्बम ने भी Spotify पर 1 बिलियन स्ट्रीम कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ हमारे जिमिन इकलौते ऐसे K-pop आइडल बन जाते हैं जिनके एक एल्बम ने इतने ज़्यादा स्ट्रीम कंप्लीट किए। और इतना ही नहीं, जिमिन के लाइक क्रेजी सॉन्ग ने कनाडा में 40,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स को सेल किया। इसके साथ साथ हमारे जिमिन फर्स्ट गोल्ड क्लैरिफिकेशन इन द कंट्री बन जाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे जिमिन इतने ज़्यादा काइंड है कि उन्होंने अपने फेस एल्बम के रिलीज के बाद 100 मिलियन वॉन डोनेट कर दिए एजुकेशन के लिए। तो इन सारी अचीवमेंट्स के लिए जिमिन, आपको बहुत ही बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। BTS अपडेट नंबर फाइव, तो जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे जेहोप का एल्बम जैक इन द बॉक्स होप एडिशन में रिलीज हो चुका है, और उसने वीकली सर्कल पर नंबर टू पर भी डेब्यू किया। और हमारे जेहोप के होप एडिशन एल्बम ने 5,80,428 से भी ज़्यादा कॉपीज को सेल किया, और वो भी सिर्फ 1 वीक में। तो हॉबी, आपको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। BTS अपडेट नंबर सिक्स, तो कल यानी कि 24 अगस्त को हमारे BTS का आइडल ये सॉन्ग रिलीज हुआ था, और इसे पूरे 5 साल हो गए। BTS अपडेट नंबर सेवन, तो हमारे हॉबी का ऑन द स्ट्रीट ये सॉन्ग जिसमें उन्होंने जे कोल के साथ कोलाब्रेशन किया था, उस सॉन्ग ने 100 मिलियन डिजिटल पॉइंट कंप्लीट कर लिए सर्कल वीकली चार्ट पर। तो आर्मी, यही थी हमारे BTS की कुछ अपडेट्स, और यहीं पर हमारी छोटी सी वीडियो एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और सारंगे।